हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एवरीथिंग होम मेड पे। मैं हूँ श्वेता और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्राइडल साड़ी का रिव्यू, जो कि बहुत ही यूनिक रहने वाला है। एंड आप अगर लास्ट वीडियो तक बने रहेंगे तो आपको इससे जुड़ी हुई सारी डिटेल में जानकारी दूंगी। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अगर साड़ी की बात करें तो साड़ी जो है वो फैब्रिक जो इसकी है वो है नेट फैब्रिक। बहुत ही कंफर्टेबल एंड बहुत ही सॉफ्ट नेट यूज़ किया गया। जैसे कि मैं जितनी भी नेट की साड़ियों की रिव्यू करती हूँ, अगर मुझे उनकी नेट नहीं अच्छी लगती या फिर उनके फैब्रिक नहीं अच्छे लगते हैं तो मैं उसकी बुराई करती हूँ। आपको पता होगा अगर आप मेरे पुराने व्यूवर्स हैं तो। तो यहाँ पे जो नेट यूज़ किया गया ना, बहुत ही ज़्यादा फाइन क्वालिटी का नेट यूज़ किया गया है। और नेट में जो नीचे वाली ये साइड है ना, इसमें ये लेस मिल जाता है। लेस जो है वो मैं सबसे पहले कलर की बात कर लेती हूँ। रॉयल ब्लू कलर में ये साड़ी है, बहुत ही सुंदर लगती है। एंड आपको ये नीचे साइड में, डाउन साइड में आपको ये जो लेस मिलता है, ऊपर एंड नीचे दोनों ही साइड में यही लेस, यही वर्क यूज़ किया गया है। थ्रेड का एम्ब्रॉयडरी वर्क है एंड स्टोन्स वाली बिंदियाँ चिपकाई हुई हैं जो कि बहुत ही सुंदर लगती हैं। यहाँ पे आप एक चीज़ गौर से ध्यान दीजिए कि आपको जो रॉयल ब्लू कलर का धागा थ्रेड वर्क दिया गया ना, उसके साथ साथ आपको नेवी ब्लू का भी, नेवी ब्लू नहीं बट रॉयल ब्लू में ही डार्क ब्लू का थ्रेड वर्क दिया गया बीच बीच में। इसकी वजह से ना ये वर्क और ज़्यादा सुंदर लगता है। एंड गोल्डन स्टोन्स, आप यहाँ पे स्टोन पे मैं फिंगर रख रही हूँ, देन आप देखो ट्विंकल कर रही हैं, स्टोन्स चमक रही हैं, बहुत ज़्यादा शाइन कर रही हैं। यहाँ पे जो गोल्डन कलर का वर्क किया गया ना जड़ी का, ये जो है इसकी प्रॉपर फिनिशिंग के साथ ही से की गई है। क्योंकि अगर मैं बैक साइड से दिखाने की बात करूँ तो बैक साइड पे आप अगर देखते हो तो आपको दिखाई देगा ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ की गई है। तो इससे क्या होगा ना, थ्रेड वर्क ख़राब नहीं किया गया है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, आप खुद से ही देख लो। एंड ये जो लेस है ना, ये पूरी की पूरी एम्ब्रॉयडरी, सॉरी लेस नहीं है ये एम्ब्रॉयडरी है, ये पूरी की पूरी साड़ी के साइड साइड में किया गया, ऊपर एंड नीचे सब साइड में किया गया। अब बात कर लिया अगर कलर की ना, तो ये जो रॉयल ब्लू कलर है ना, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। क्योंकि मुझे बहुत दिन से ऐसी चाह थी कि मेरे पास एक रॉयल ब्लू का कलेक्शन होना चाहिए साड़ियों में। मुझे रॉयल ब्लू बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड इसमें भी ये वाला जो रॉयल ब्लू है ना, ये बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे बूटियाँ जो है ना, ये वाली फ्लावर बूटियाँ बनाई गई हैं। पूरी की पूरी साड़ी में आपको ये फ्लावर बूटियाँ देखने को मिल जाएंगी। एंड इस पर भी वही मैचिंग वर्क किया गया है, स्टोन्स लगाए गए हैं एंड थ्रेड वर्क किया गया है, पूरी एम्ब्रॉयडरी अच्छी से की गई है। पूरी साड़ियों में ये बूटियाँ लगाई हुई हैं। सी आप देखो कितनी ज़्यादा सुंदर लगती है। एंड रॉयल ब्लू कलर ना साड़ी में चार चांद लगा देता है। और यहाँ पे जो रॉयल ब्लू कलर यूज़ किया गया ना, ये इतना फाइन कलर यूज़ किया गया ना कि अगर आप रियल में पहनते हो ना 3D लुक देता है, इतना सुंदर लगता है। क्योंकि रॉयल ब्लू कलर ना अक्सर ना आप मार्केट में ख़रीदने जाओ तो इतने चमचम टाइप के मिल जाते हैं ना कि वो अच्छे नहीं लगते हैं। बट यहाँ पे इस साड़ी को पहनने के बाद ना आपको खुद को ही फील होगा, या फिर जो लोग देखेंगे ना, मैं गारंटी दे रही हूँ कि वो लोग ज़रूर पूछने वाले हैं कि ये साड़ी कहाँ से लिए हो आप। फिर आपको क्या करना है, मेरे चैनल का ये वाला वीडियो शेयर कर देना है या फिर मेरे चैनल का लिंक शेयर कर देना है ताकि वो लोग भी मेरे चैनल पे आके रिव्यूज़ देख सकें। एंड ये जो साड़ी है ना, ये मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो गई है और मुझे मेरी फेवरेट साड़ी है। जितनी भी साड़ियाँ मैं दिखाती हूँ उन सब में ना, मतलब एक कोई चूज़ करना है मैं सबसे पहले इसे चूज़ करूँगी। अभी तक जिनकी भी रिव्यू दी हूँ मैं उसमें से, ये जो नेवी ब्लू नहीं, रॉयल ब्लू कलर है। इसमें अगर आप साटन का जब कपड़ा लगा करके पेटीकोट पहनोगे तो ये रॉयल ब्लू और ज़्यादा निखर के आएगा। इसके साथ जो ब्लाउज़ दिया गया है ना, वो ब्रासो फैब्रिक में है, प्रॉपर ब्रासो फैब्रिक है एंड बहुत ही शाइनी फैब्रिक दिया गया। मैं ब्लाउज़ सिलने के लिए दे दी हूँ तो उसका मैं कहीं ऐसे शॉर्ट वीडियो बना करके या फिर कम्युनिटी पोस्ट में मैं उसका इमेज शेयर कर दूंगी, आप खुद से इमेजिन कर लो। ब्रासो फैब्रिक में है, रॉयल ब्लू कलर का प्लेन सा फैब्रिक दिया गया है, पूरा प्लेन है। और ब्लाउजेज में आपको ब्लाउज ही मिलता है। यहाँ पे जो मैं फोल्ड करके दिखा रही हूँ, ये आंचल साइड है। आंचल साइड से मतलब स्टार्ट होता है, मैं प्रॉपरली जितना कैमरा में आ सकता है उतना दिखा रही हूँ आपको, एक लुक दिखाने के लिए। मैं यहाँ पे फोल्ड करके इसलिए दिखाती हूँ ताकि आपको पता चल सके कि इसका लुक क्या आएगा। आप खुद से ही देख लो कितनी ज़्यादा सुंदर लगती है, आपको एक नज़र में पसंद आ जाएगी अगर आप मेरी पसंद के हो तो।
अगर आपको भी मेरी जैसी यूनिक चीज़ें पसंद हैं, लग्जूरियस चीज़ें पसंद हैं, तो आपको ये साड़ी डेफिनेटली पसंद आएगी, 100% पसंद आएगी। बहुत ही सुंदर लगती है ये साड़ी। एंड ये जो साड़ी है ना, ये साड़ी इतनी ज़्यादा हल्की है, एंड इस पर जो वर्क किया गया है ना, वो इतनी ज़्यादा हल्का किया गया है कि मतलब आप जैसे एक भारी प्लेट्स वाली साड़ियाँ होती हैं, उसे अगर आप पहनोगे ना, तो लगेगा, आपको खुद को ही महसूस होगा कि उसके प्लेट्स ना झूले झूले से लगेंगे। एंड जो बहुएँ हैं ना, जो अपकमिंग ब्राइड होने वाली हैं, तो जाती हैं हम लोगों के साइड में जितनी भी बहुएँ, वो सर पे पल्लू रखना लाजमी सी बात है, सर पे पल्लू रखा जाता है हम लोगों के साइड में। तो यहाँ पे अगर आप इस साड़ी को पहन करके सर पे पल्लू रखते हैं, आपका हेयर स्टाइल ख़राब नहीं होगा। चांस यहाँ पे क्या है, क्यों ख़राब नहीं होगा, तो यहाँ पे जो साड़ी का लेस और एम्ब्रॉयडरी की गई है, वो इतनी लाइट वेट की गई है ना, कि देखने में तो हैवी दिखाई देती है, बट अगर आप इसे सर पे रखते हैं एज ए पल्लू, तो आपका हेयर स्टाइल बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो अपकमिंग ब्राइड्स जो हैं, वो अपनी शॉपिंग कर रही हैं, तो इसे बिल्कुल इन्वॉल्व करिए अपनी साड़ी में और परचेज़ करिए इसे, आप बिल्कुल रिग्रेट फील नहीं करेंगे। जैसा कैमरा में दिखाई दे रहा है हूबहू, उससे भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है रियल में, आपको बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाला है। एंड अगर आप एक पार्टी वियर लिहाज से अगर एक साड़ी परचेज़ करना चाहती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगे और आप ग्लैमरस लगे पहन करके, देन आप इस साड़ी को परचेज़ करिए। मैं बिल्कुल 100% रिकमेंड करती हूँ, 100% रिकमेंड करती हूँ, आप इसको पहन करके कभी भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ही लगेंगी। तो ये था आज का मेरा वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।